नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 का सदिश बीजगणित से संबंधित प्रश्नावली 10.1 के कुछ सवाल बताएंगे। कॉपी कलम लेकर इस नाते बता रहे हैं कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाना है नहीं तो ब्लैक बोर्ड पर समझाने की कोशिश करते। इस नाते आप इसको थोड़ा इग्नोर करते हुए पढ़िएगा कि सर कॉपी पे क्यों बता रहे हैं। समझना है केवल थोड़ा थोड़ा चीज़, तो कॉपी पर समझ लीजिए। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। केवल यहाँ पर आलेखी निरूपण करना है, ठीक है ना? कहाँ से? उत्तर से 30 अंश पूर्व में। तो एक काम कर लो भाई, इधर मैं बता देता हूँ, जैसा फिगर बनाना है वैसा बना देता हूँ। पहले आप देखो, इस तरह की लाइनें खींचो, इस तरह की लाइन खींचो। दिशा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं बहुत बड़ा। उसे ऊपर, ऊपर वाली जो दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर, ठीक है? अब उत्तर के ठीक विपरीत में क्या होगा? दक्षिण। सही है, इतना तो आप जानते हैं। अब दाहिने दिशा में, दाहिने दिशा में पूरब होता है और उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या होगा? पश्चिम होगा। समझ गए? इतना मुझे करना क्या है, अभी तो मैंने केवल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बनाया। मुझे करना क्या है, मुझे करना है 30 डिग्री पूरब में, किधर से? उत्तर से। क्वेश्चन देखिए जरा, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, ये उत्तर है तो उत्तर दिशा से 30 डिग्री पूरब में इधर, इतना 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर का विस्थापन का आलेखी निरूपण। तो मान लीजिए यहाँ से चलाएगा, चलते 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 यहाँ पर कहीं भी अंदाज से आप निशान लगा दीजिए और उसको दिखा दीजिए ये क्या है, 40 किलोमीटर का विस्थापन है, ठीक है? ये क्या है, 40 किलोमीटर का विस्थापन है, ठीक है ना? तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 40 किलोमीटर का क्या चीज़, विस्थापन। बस आलेखी निरूपण करना था और कुछ भी नहीं करना था। और ये कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कहाँ से दिया है ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब जरा आगे देखिए, अगले सवाल को देखा जाए। ये हो गया आपका पहला सवाल। आपका अगला सवाल क्या कहता है जरा देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। 2, 2, 4, 6 को दिया है ना, इसमें आप अदिश वाला अलग छांट दो और सदिश वाला अलग छांट दो। अदिश का मतलब था जो में दिशा न बताना हो, जिस राशि में दिशा न बताना हो वो क्या बन जाएगा, अदिश, ठीक है ना? तो दो नंबर सवाल हम लोग करने वाले हैं। दो नंबर सवाल देखिए ध्यान से, थोड़ा हिल उल रहा है, डरिएगा मत, भूकंप नहीं आया है। अदिश का मैं एक कॉलम बना लेता हूँ और सदिश का दूसरा कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है? अब जो 6 विकल्प दिया है उन 6 में से आप देखेंगे तो 10 किग्रा 40 डिग्री 40 वाट, 10 किग्रा 40 डिग्री 40 वाट, ये थोड़ा सा हिल रहा है बेटा, हिलो मत भाई, ऐसा है, हिलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 40 डिग्री 40 वाट और क्या, 10^-19 कूलम। इन सब में दिशा नहीं बताना है, इस नाते ये क्या हो गया, अदिश राशि का कलेक्शन, ठीक है? अब सदिश राशि का कलेक्शन इधर लिख दीजिए। सदिश में क्या क्या है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी बताना जरूरी होता है। इस नाते उत्तर पश्चिम में कुछ क्या है, दिशा है, इस नाते सदिश वाला हो गया, ठीक है?
और 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? ये वेग है, ठीक है ना। इस नाते ये क्या हुआ, सदिश राशि हुआ। दूसरा क्वेश्चन बड़े आसानी से हमने बता दिया आपको। अब तीसरे में देख लीजिए, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तीसरा नंबर भी एकदम दूसरे नंबर जैसा है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, समय कालांश इका बाबू, समय बताने में दिशा बताना होता है क्या? नहीं ना। इस नाते ये क्या है, अदिश राशि। अदिश वाले कलेक्शन में लिखिएगा, दूरी में दिशा की जरूरत नहीं होती। इस नाते इसको भी अदिश में, और कार्य भी किस में, अदिश में। ये तीनों अदिश में, बल और वेग सदिश में। बल और वेग आप सदिश में लिखिएगा, ये तीनों अदिश में लिखिएगा। बस बात खत्म, काम खत्म। अब आ जाओ बचवा यहाँ, आ जाओ इसमें, आ जाओ चार नंबर में। बोला कि आकृति एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। इसमें पहचानने के बाद का चीज, सह आदिम सदिश कौन कौन है। तो मैं आपको थोड़ा सा लिख कर समझाना चाहूँगा कि सह आदिम सदिश कौन कौन सा है। देखिए, चौथा सवाल यहाँ पर करता हूँ। चौथा, सह आदिम सदिश। सह आदिम का मतलब हुआ कि यहाँ पर तो फिगर में ए बी सी डी दिया नहीं है, तो फिगर में ए बी सी डी अपने मर्जी से लिख सकते हैं आप। यहाँ पर ए लिख दो, बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ ए, यहाँ से शुरू हुआ बी सी, यहाँ से शुरू हुआ सी डी, और यहाँ से शुरू हुआ है ए डी। ए से डी की तरफ आ रहा है बचवा, तो ध्यान देना मेरी बात को। दू गो सदिश का दिशा इधर जा रहा है, इधर देखो, इधर तीर, इधर तीर, और दू गो सदिश ऐसे है और ऐसे है। मतलब तीर ऐसे, देखिए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये वाली तीर, यहाँ से लेकर देखिए ये नोक यहाँ हुआ, यहाँ से नोक यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, लेकिन यहाँ से यहाँ आया, इधर से इधर वापस नहीं गया, ठीक है। नहीं समझे, ये जो ये वाली लाइन जा रही है, देखो इसकी तीर यहाँ, यहाँ से शुरू हुआ ये तीर यहाँ, यहाँ से शुरू हुआ ये तीर यहाँ, तो यहाँ से शुरू होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ से दूर टूआया, यहाँ टकरा गया डी पर। तो सह आदिम का मतलब हुआ कि बबुआ एक से चला, उसकी पूंछ पर आया, मतलब क्या, यल बना रहा है ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। ए से बी तक और बी से सी तक ये रास्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके आगे रास्ता यहीं तक जाएगा, लेकिन फिर इधर से आ गया। समझो, गेम अगर मोबाइल में खेलते हो तो समझ लो, ये रास्ता जाने का यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक आने का है, इधर से इधर नहीं जाने का है, क्योंकि तीर का दिशा ही मुँह, तीर का नोक बता रहा है, देखो। तो सह आदिम का मतलब हुआ एक के बाद दूसरा, यानी एक का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उसे बोलेंगे सह आदिम सदिश। तो ए बी बराबर वेक्टर है, बी सी बराबर वेक्टर भी, ये दोनों सह आदिम है, यानी ए बी बराबर वेक्टर है, बी सी बराबर वेक्टर भी, ये दोनों क्या हुआ, सह आदिम सदिश हुआ। ये पहला वाला हो गया। अब इसी में दूसरा वाला हम करेंगे, समान सदिश कौन कौन होगा, जो एक समान है। एक समान कौन कौन है भैया, एक समान है ए डी और बी सी। ए डी नीचे की दिशा, बी सी नीचे की दिशा, ये वर्ग है, पहले ही बोल दिया क्या है, ये वर्ग है। वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ये भी बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन ए डी और बी सी दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है। इस नाते ए डी बराबर डी और वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर बी, ये हो गया क्या चीज़, समान वाला। दूसरा, तीसरा संरेख परंतु असमान बताना है, संरेख हो लेकिन क्या हो, असमान हो। तो बबुआ ए बी और सी डी संरेख हैं, एक ही रेखा में, मतलब ऐसे ही ऐसे हैं, लेकिन इनकी दिशा क्या,
असमान, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। देखो ना, ए से बी की तरफ गया, ए से बी की तरफ गया और सी से डी की तरफ गया, ये इधर मतलब क्या, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। तो क्या हुआ, ए बी सी डी संरेख हुआ परंतु दिशा इनकी क्या है, असमान है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी वाले में, ए बी वेक्टर, ए बी बराबर वेक्टर ए और वेक्टर सी डी बराबर वेक्टर सी। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए। एक मिनट, मच्छर वाली अगरबत्ती जल रही थी बहुत तेज। पांच नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पांच नंबर बोला निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य रूप में दीजिए। वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं, हाँ, क्योंकि वही वेक्टर, परिमाण तो वही है केवल दिशा अलग अलग है ना, तो इसको संरेख कहेंगे। वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं तो कहेंगे हाँ सत्य है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, संरेख के लिए परिमाण का कोई मतलब नहीं होता है, संरेख के लिए परिमाण का कोई मतलब नहीं है। तो दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है असत्य, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं ये भी असत्य है, असमान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं ये भी असत्य है। ठीक है, परिमाण और उनकी दिशा का कोई तुलना नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। इस नाते दूसरा तीसरा चौथा असत्य है, पहला वाला केवल सत्य है। क्लियर, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली, और प्रश्नावली से रिलेटेड सूत्र बेसिक ज्ञान थ्योरी ये सब मैं प्रश्नावली के साथ साथ आपको बताता चलूँगा। ठीक है, धन्यवाद।